हमने शुरू किया था आइसोमेरिज्म, ठीक है, डेफिनेशन बताया था क्या था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट रहेगा, दैट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। इस फिनोमेना को दो पार्ट में पढ़े थे हम लोग, पहला जो था उसको बोला था हमने स्ट्रक्चरल और दूसरा जो था उसको हमने बोला था स्टीरियो। स्टीरियो का मतलब होता है अरेंजमेंट अलग अलग रहेगा, और स्ट्रक्चर का मतलब होता है स्ट्रक्चर ही अलग रहेगा, ठीक है। ये हमने किस लिए पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में सॉरी नहीं उसमें चार थे ना, स्टीरियो स्टीरियो को दो पार्ट में डिवाइड किया था, वन इज कॉल्ड एज जियोमेट्रिकल एंड सेकंड इज कॉल्ड एज ठीक है। जियोमेट्रिकल को दो पार्ट में डिवाइड किया था, cn = 4 एंड cn = 6, cn = 4 में दो पॉसिबिलिटी थी, एक हमने पढ़ा था टेट्राहेड्रल और दूसरा हमने पढ़ा था स्क्वायर पिरामिड या स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल में क्या फर्क है, बॉन्ड एंगल और हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे जो रहेगा बॉन्ड एंगल हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3, यहाँ पे रहेगा 3s2, यहाँ रहेगा 109.85 और ये रहेगा 19, ठीक है। इनमें से कौन शो नहीं करेगा, कौन शो करेगा, कितने GI शो करेगा, ये हमने फाइंड किया था डिफरेंट फॉर्मूलाज के हिसाब से, मोनोडेंटेड के लिए भी बताया था, बाइडेंटेड के लिए भी बताया था, बाइडेंटेड को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक को बोला था सिमेट्रिकल, दूसरे को बोला था अनसिमेट्रिकल, सही या गलत, सही। जियोमेट्रिकल आइसोमर में यहाँ इसके लिए दो पॉसिबल थे, एक होता है सिस, दूसरा होता है ट्रांस, थ्री पॉसिबल तो दो ही पॉसिबल है, एक रहेगा सिस और दूसरा रहेगा ट्रांस। यहाँ तक हो गया था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शुरू किया था नहीं किया था, नहीं किया था। अब देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो ज्योमेट्री होता है उसको कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल, क्या कहा जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टा का मतलब होता है आठ और हेड्रल का मतलब होता है फेस, हेड्रल का मतलब होता है फेस, तो आठ फेस होने की वजह से हम इसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल। इसका दूसरा जो नाम आता है वो आता है स्क्वायर बाइपिरामिडल, तो नाम रहेगा स्क्वायर बाइपिरामिडल। सपोज हम इसको मानते हैं कि ये प्लेन है, यहाँ एक बॉन्ड बनाया, यहाँ दूसरा बॉन्ड बनाया, यहाँ तीसरा और यहाँ चौथा, कितने हो गए, चारों के चारों एक ही सरफेस पे है, मतलब एक ही प्लेन पे, तो इसको बोलेंगे स्क्वायर प्लेन, क्या बोलेंगे, ठीक है। अब ये टोटल एंगल कितना होता है, कितने पार्ट में डिवाइड किया, तो एक के बीच का एंगल कितना होगा, कितना होगा 90, तो इसको बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर। एक बॉन्ड ऊपर लगाया तो बन गया स्क्वायर पिरामिड, पिरामिड बन गया ना, एक दो तीन चार और पांच, तो ये इसको क्या बोलेंगे स्क्वायर पिरामिड। और ऐसा नीचे एक पिरामिड रहेगा तो हो गया कितने पिरामिड, दो, इसको बोलेंगे स्क्वायर बाय पिरामिड। ये एंगल कितना होगा, ये वाला 90, ये वाला 90, इनके बीच का 90, इसके बीच का 90 हो गया। जब हमने पिरामिड बनाया तो इसको फेस कितने हैं, एक दो तीन चार, समझा ना, इमेजिन करो, देखो इसको यहाँ पे ज्वाइंट करो, इसको यहाँ ज्वाइंट करो, ये एक फेस बन गया, ये दूसरा फेस, ये तीसरा फेस और ये चौथा, कितने फेस, अपर साइड के चार, लोअर साइड के चार, कितने हो गए, आठ, क्या बोलेंगे, और एक नाम क्या है, ये क्या है स्क्वायर, ये है पिरामिड, ये है पिरामिड, क्या बोलेंगे नहीं समझा, तो ये रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्या रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो ज्योमेट्री रहेगा ऑक्टाहेड्रल, दूसरा नाम रहेगा स्क्वायर बाय पिरामिड। अब बॉन्ड कितने बनाए, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना रहेंगे, 6, तो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3d2, तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2, हो गया।
अब देखेंगे बॉन्ड एंगल, कितने टाइप के बॉन्ड एंगल रहेंगे। बॉन्ड एंगल हमेशा एडजेसेंट के बीच का होता है, अपोजिट के बीच का नहीं होता है। कितना रहेगा? 90 के साथ 120। बॉन्ड एंगल एडजेसेंट के बीच का होता है, तो ये दोनों एडजेसेंट के बीच का एंगल कितना है? 90। इन दोनों के बीच का 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 90। यहाँ पे 90। ये 90। और ये 90। ये और ये 120। तो ये एडजेसेंट है नहीं, तो उसके बारे में नहीं सोचना है। तो बॉन्ड एंगल हमेशा किसके बीच का होता है? एडजेसेंट बॉन्ड्स के बीच का एंगल। तो कितना पॉसिबल है? 90। समझ आ गया? तो बॉन्ड कितने बनाएगा? 6। 6 में से कितने बॉन्ड प्लेन में रहेंगे? 4। कितने अबोव द प्लेन रहेंगे? 1। कितने बिलो द प्लेन रहेंगे? 2। एक अबोव द प्लेन, दूसरा बिलो द प्लेन। अब यहाँ पे कितने बॉन्ड है? 4। मैंने यहाँ से प्लेन ड्रॉ किया, 4 बॉन्ड के हिसाब से जा रहे, यहाँ से प्लेन ड्रॉ किया, कितने बॉन्ड्स आ गए चपेट में? 2। मैंने यहाँ से प्लेन ड्रॉ किया, 2। समझ में आ गया ना? हाँ। तो ये प्लेन पे है 2, और ये 2 प्लेन पे है, ये था स्क्वायर प्लानर। अब ये स्क्वायर पिरामिडल है, क्या है? स्क्वायर पिरामिडल। मैंने यहाँ से प्लेन ड्रॉ किया, कितने बॉन्ड चपेट में आ गए? 3। कौन सा कौन सा? ये वाला और ऊपर वाला, सही है ना? नहीं समझा? आगे काम आएगा, इसके से भी पूछ लो, नहीं समझा तो। ये स्क्वायर है और ये प्लानर है, ये स्क्वायर और ये प्लानर है। गारंटी नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है? अब ऐसे मान लिया कि ये बीच में है, और सपोज मैंने यहाँ से ऐसा प्लेन ड्रॉ किया तो क्या होगा? रहेगा ना? मैं तो फेंकूंगा इसको, मैं ऐसा, ठीक है? और हमने यहाँ से प्लेन ड्रॉ किया, ये कटेगा, ये कटेगा और ये कटेगा, कट गया, गिर गया, कितने कट गए? 3। तो प्लेन में कितने आ गए? 3। समझ में आ गया? मैं इसको यहाँ रखता हूँ और मैं यहाँ से प्लेन ड्रॉ करता हूँ तो 3। समझ में आ गया ना? तो अब मैंने पूछा प्लेन के ऊपर कितने बॉन्ड्स हैं? 3। यहाँ पे 3। और इस प्लेन पे 4। प्लेन कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही होना चाहिए। और यहाँ से रहेंगे तो 3, यहाँ से रहेंगे 3, ये रहेंगे तो 4। समझ में आ गया? ओके। एक ऊपर है, एक नीचे है, ऐसे। अब यहाँ से प्लेन ड्रॉ किया, ऊपर वाला एक, 2, 3, 4। समझ गया ना? तो प्लेन में कितने आ गए? 4। समझ गया? ओके। हाँ। अब ये यहाँ है, फेस कितने हैं? 4। ऊपर ऊपर फेस कितने हैं? 4। ये फ्रंट, ये बैक, ये लेफ्ट और ये राइट। समझ में आ गया? एक फेस पे कितने एटम्स आ सकते हैं? एक फेस जो है वो कितने लिगेंड्स को अटैच रहेगा? 1, 2, 3। पक्का ना? तो एक फेस जो है वो मैक्सिमम कितने लिगेंड को अटैच हो सकता है? 3। तो सामने वाला फेस कितने लिगेंड को अटैच है? 3। और पीछे वाला? 3। लेफ्ट वाला? 3। राइट वाला? 3। तो एक फेस मैक्सिमम कितने लिगेंड को अटैच रहेगा? 3। तो फेस कितने हो गए? 1, 2, 3, 4। ऊपर के 4, नीचे के 4, कितना हो गया? 4। नहीं समझा? प्लेन समझा? प्लेन समझा? क्या नहीं समझा बोलो? ये स्क्वायर है और ये ऊपर एक है, तो ये बन जाएगा स्क्वायर पिरामिड। एक फेस है, ये दूसरा फेस है, ये तीसरा है और ये चौथा, कितने हो गए? 4। ऐसे ही 4 नीचे रहेंगे तो कितने हो गए? 8। ये हो गया स्क्वायर, ये ऊपर हो गया एक पिरामिड और नीचे हो गया एक पिरामिड, कितने पिरामिड? 2। तो ये स्क्वायर 1 पिरामिडल बाई पिरामिडल, तो ये बन जाएगा स्क्वायर बाई पिरामिडल।
कट करना है, यहाँ पे कट किया, ठीक है। अब यहाँ से कट किया, आरी ऐसे ले लेंगे, यहाँ से कट करते हैं। कौन कौन कट होगा, कौन कट होगा, ये वाला कट होगा, ठीक है। अरे जब हम ऐसे लेंगे तो क्या होगा, इसके रास्ते में जो भी आएगा वो कट होगा ना। तो ये ऊपर वाला भी कट हो गया, ये ऊपर रहेगा, ये कट होगा, ये भी कट होगा, ये भी कट होगा, और नीचे वाला भी कट होगा। तो कितने कट हो गए, चार। सही है, सपोज हम ऐसे लेते हैं तो चार, ऐसे लेंगे तो चार, समझ में आ गया। तो आप प्लेन कोई भी कंसीडर कर सकते हो अपने हिसाब से। मैं यहाँ से प्लेन ले सकता हूँ, कितना कटेगा, एक ही कौन, ये वाला ऊपर वाला और एक नीचे वाला, समझ में आ गया। अब प्लेन कहीं से, प्लेन का मतलब एक लाइन ड्रॉ करनी है, जिसको हम क्या मानेंगे, प्लेन, ठीक है। प्लेन वाला जरूरी इसलिए है, जब हम ऑप्टिकल एसएमएस पढ़ेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा, और प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ने के लिए प्लेन क्या होता है वो समझ में आना चाहिए। क्लियर हुआ, चलिए आगे। अब इफ हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, सेंटर में रहेगा मेटल, और ये मेटल जो रहेगा ये बॉन्ड बनाएगा, कितने कितने बॉन्ड बनाएगा, सिक्स। तो अभी कितने बॉन्ड बनाए, चारों के चारों बॉन्ड एक ही प्लेन में है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर पेयर, क्या बोलेंगे, स्क्वायर पेयर, ठीक है। साथ में दो बॉन्ड और है, कहाँ पे, एक अपर साइड में है और दूसरा लोअर साइड में, तो कितने बॉन्ड हो गए, एक पिरामिड, दो पिरामिड, फाइव पिरामिड। क्लियर हुआ यहाँ तक, चले आगे। तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्वेश्चन आएगा, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ जी आई, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ जी आई, जी आई को कैलकुलेट करना है। जैसे हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में मैंने आपको पढ़ाया था, जी आई कैसे फाइंड करते सीख लो, क्योंकि ये आगे काम पड़ेगा, तो उसको यहाँ यूज करना है, ठीक है। अब पहला जो हम कंपाउंड यहाँ देते हैं नंबर 1, दैट इज कॉल्ड एज मेटल A6, कैपिटल ए है, स्मॉल ए है, स्मॉल का मतलब मैंने बोला था मोनोहाइड्रेट, कैपिटल का मतलब बोला था बाइहाइड्रेट, ये कौन सा लिगेंड है, मोनोहाइड्रेट। तो एक कितना बॉन्ड बनाएगा, एक, कितने लिगेंड्स है, तो बॉन्ड कितना हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसलिए उसको पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, कितने लिगेंड्स है। अब यहाँ पे लिखा मैंने ए, यहाँ लिखा ए, यहाँ पे लिखा ए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, कितने जी आई शो करेगा, कोई देख क्यों, अभी कौन सा पेयर बनेगा, ए के सामने ए, ए के सामने ए, ए के सामने ए, इसका मतलब इसके सामने लिखेंगे नो जी आई, क्या लिखेंगे, नो जी आई, समझ में आ गया, ओके। अब दूसरा फॉर्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ, एम ए फाइव बी, 30 सेकंड सोचने के लिए, पेन पेंसिल नहीं पकड़ेंगे, ये सोचना है कितने जी आई, पहला क्वेश्चन तो ये है वो जी आई शो करेगा कि नहीं करेगा, और करेगा तो कितने, डन। इसमें से मैं एक ए को निकाल के बी लगाता हूं, पहला पेयर क्या बनेगा, ए के सामने ए, ए के सामने ए, और ए के सामने बी, इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया, क्या बनेगा, ए के सामने ए, ए के सामने ए, ए के सामने बी, वही बना, डिफरेंट बना, इसका मतलब ये दोनों जी है, नहीं समझा, कल का समझा होगा तो आज समझ में आएगा, कल का नहीं समझा होगा तो कुछ नहीं कर सकता मैं, ठीक है, और वापस नहीं जाऊंगा। नंबर A 4 B 2, 30 सेकंड सोचने के लिए, अपन उधर भी चला, फर्स्ट कम ऐसा है क्या, तो पहले आएगा सामने बैठेगा,
ऐसा है गलत है लेकिन जो पहले आएगा वो जब बैठेगा आपने ऐसा चार दिन नहीं आए तो फिर वो जगह खाली रहेगी हर कोई बुक रख के जाएगा फिर सब रख के जाते बुक में तो पेज को भी छोड़ के जाना है नाम लिख के ये मेरी जगह है चिपका के चले जाए ये क्या लगता है करेगा कितने यहाँ पे जो पेयर बनेगा वो क्या होगा ए के सामने ए ए के सामने ए ए के सामने बी दो भी है ये भी यहाँ लगाता हूँ तो बी के सामने बी अब ठीक है अब क्या करेंगे किसी भी दो का पोजीशन चेंज करके लिखते हैं ठीक है मैं इन दोनों का पोजीशन चेंज करता हूँ यहाँ लिखता हूँ बी और यहाँ लिखता हूँ ए क्या होगा ए के सामने ए ए के सामने बी और ए के सामने बी और पॉसिबल है ओके सपोज मैंने आपको पूछा ये सी सर्किट आंसर किसके हिसाब से आपको कैसे पता चला इसके हिसाब से जाते हैं तो सामने में ए है सामने ए है पीछे बी है और पीछे बी है ऊपर भी ए है और नीचे भी ए है तो ए ऊपर भी है ए नीचे भी है दोनों अपोजिट साइड पे तो ए के हिसाब से ट्रांस हो गया यहाँ पे दोनों के दोनों ए एडजेसेंट पे तो क्या हो गया सी तो ए के हिसाब से कुछ नहीं होगा फिर या तो सीस होना चाहिए या तो ट्रांस होना चाहिए एक भी पीछे है दूसरा भी पीछे है दोनों एडजेसेंट है अपोजिट है इसको क्या बोलेंगे ये सीस किसके हिसाब से है और ट्रांस किसके हिसाब से है नहीं तो दोनों तो इसके हिसाब से कुछ नहीं होगा समझ में आ गया और पॉसिबल है और पॉसिबल है चलो पहले वाला लिखता हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए और यहाँ लिखता हूँ बी ये क्या होगा सी से ट्रांस ए के हिसाब से कुछ होगा क्योंकि ये एडजेसेंट पे भी है और ए अपोजिट पे भी है तो इसके दो ही आइसोमर्स पॉसिबल है तो यहाँ पे रहेगा जी आई टू क्लियर है ए यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए है तो ये क्या हो गया और ये वाला क्या हो गया पक्का ना और ये क्या हो गया दोनों है ना वो एक भी शो नहीं करेगा नंबर फोर एम ए टू सॉरी ए फोर बी सी 30 सेकेंड पेन पेंसिल नहीं पकड़नी ठीक है
कितने जी है? दो। नंबर फाइव, अच्छा बहुत पॉसिबल है, मुझे टाइम उतना ही और कंडीशंस वही। यहाँ पे है, तीसरा ए यहाँ पे है,
तीनों के तीनों एक ही फेस पे है ना, अरे एक फेस है ना ये, तो यहाँ पे एक ए, यहाँ पे दूसरा ए, यहाँ पे तीसरा है, एक ही फेस पे हो गया तो क्या बोलेंगे, हो गया एक ए यहाँ पे है, दूसरा ए यहाँ पे है, तीसरा ए यहाँ पे है, क्या तीनों के तीनों एक ही प्लेन में है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक ए यहाँ पे है, दूसरा ए यहाँ पे है और तीसरा ए यहाँ पे है, एक ए यहाँ पे है, दूसरा ए यहाँ पे है, तीसरा ए यहाँ पे है, क्या एक ही प्लेन पे है, एक ही प्लेन है ना, ऊपर वाला भी आ गया, सामने वाला भी आ गया, नीचे वाला भी आ गया, और तीनों के तीनों कैसे है एक ही प्लेन पे, और जब तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे रहेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, समझ में आ गया, तो ये क्या होगा, इमेजिन करो, बस इमेजिन करो, आवाज किसी का नहीं आएगा बिल्कुल, आप बोलो फिर इसके हिसाब से ये आपको पॉइंट ए के हिसाब से और बी के हिसाब से, शांति रखो, ये बी इसके साथ इमेजिन करो, मेरी तरफ मत देखो, बी 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 ए ए और ए ए ए ए मेरिडियन हो गया, बी 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 मेरिडियन हो गया, नहीं समझा, इसमें क्या समझना है, सिंपल तो है, आवाज किसी का नहीं आएगा, क्या लगता है, ए के हिसाब से और बी के हिसाब से, पक्का दो बार फेशियल करना है, मतलब दो बार फेशियल लिखना है, तो ये कौन है, बी ए, अरे ये वाला है फ्रंट साइड पार्ट, ये बी ए बी ए ए बी ए ए ए B B B पक्का हो गया, तो तीन टाइप के सेम लिगेंड्स रहेंगे तो फेशियल और मेरिडियनल, फेशियल का मतलब ऑल थ्री आइडेंटिकल लिगेंड्स आर प्रेजेंट ऑन सेम स्पेस, ऐसा लिखना, पूछने के बाद आंसर ऐसा आना चाहिए, फेशियल फेशियल पूछने के बाद पूछे नहीं, सही है, लिख के कुछ और देता हूँ, लिखते कुछ और है, बताने के टाइम कुछ और ही बता दे, ठीक है, तो फेशियल तीनों के तीनों सेम लिगंड सेम फेस पर रहेंगे, और मेरिडियनल तीनों के तीनों सेम लिगंड सेम प्लेन में रहेंगे, तो एक होगा फेशियल और दूसरा रहेगा मेरिडियनल, एक बार देख लो, कुछ नहीं समझा तो पूछो, फिर मैं पूछता हूँ अपने साइड से, प्लेन पास कर सकते हैं, लेकिन जब प्लेन पास करेंगे तो अगर तीनों भी दोनों एक ही प्लेन पे आ रहे हैं, जब हम किसी मॉलिक्यूल में प्लेन देखेंगे तो प्लेन ऐसे ड्रॉ करना होगा कि वो मॉलिक्यूल को डिवाइड करे, आप इसी हिसाब से प्लेन तो कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ज्यादा पॉसिबल नहीं है, मतलब मैंने ये स्ट्रक्चर बना लिया, बोले कि सर ये ऐसा कितना कट हो गया प्लेन जरा, इसका कोई सेंस नहीं बनेगा ना, तो प्लेन प्लेन जैसे होना चाहिए, ठीक है, इसका काम इसलिए आएगा क्योंकि जब ऑप्टिकल आइसोमेट्रिक देखेंगे तो वैसे प्लेन ड्रॉ करके देखना होगा कि वो प्लेन ड्रॉ करने के बाद वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लिख लो,
तो अपन जाना है कार्ड खेलने, अच्छे से बोलो, अच्छे से कराटे सिखाते हो। बढ़ते नहीं करते।